दोस्तों नमस्कार, मैं डेविड ग्वालियर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। इस वक्त मैं मौजूद हूं दोस्तों वादे के अनुसार ग्वालियर व्यापार मेले में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेला शुरू होगा नहीं होगा, क्या स्थिति रहेगी, उसके ऊपर अपडेट दूंगा। पिछली अपडेट पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी। अभी सेकंड वीडियो है ये, मैं ग्वालियर व्यापार मेला पहुंच चुका हूं अपने मेहता भाई के साथ। और यहां पर सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, लोक प्लाजा गाना शुरू हो गया है। लोक प्लाजा, तो चलिए चलते हैं। आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि ग्वालियर व्यापार मेले में ये कैमल आया है। इसकी राइड कितने की है? 8 रुपये। नहीं, इसका कितना रुपया लेते घुमाने का? 50 रुपया प्रति पर्सन। तो 50 रुपये में भाई साहब ये मेड़ से लंबे ऊँट की आप लोग सवारी ले सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी समय बाद ग्वालियर व्यापार मेले में रौनक दोबारा से लौट आई है दोस्तों। चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे साउंड काफी ज्यादा तेज है। ये देखो झूले शुरू हो चुके हैं। वाओ, ओहो, लोग मजे ले रहे हैं, मेले में भरपूर आनंद उठा रहे हैं झूलों का। और ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। मुझे ट्रेन कहाँ जा रही है भाई? ये ड्रैगन ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी है। अरे वाह, ये बच्चों के झूले भी शुरू हो गए हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए काफी बढ़िया एक स्थान बना दिया है यहाँ पे, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल ये एरिया है। और यहाँ देखिए घोड़े, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था घोड़े दौड़ेंगे, और ये घोड़े दौड़ना शुरू हो गए हैं। ये देखिए आप क्या छलांग मार रखे हैं। ये कहाँ खाली खाली घूम रहा है, कुछ इस तरह के भी झूले आए यहाँ पे। आगे बात करें दोस्तों, 5 से 7 झूले हैं छोटे बच्चों के लिए। और आगे बढ़ते हैं। वाह, यहाँ भी कुछ एडवेंचर हो रहा है। सामने देख रहे हैं आप मेरे ब्रेक डांस, ये ब्रेक डांस करने को तैयार है। और ये देखिए कितना बड़ा व्हील मस्त घूम रहा है। घूमते घूमते देखो मेले में कौन मिल गया। बिना बताया सीधा कश्मीर से आया ग्वालियर व्यापार मेला घूमने। मेले की बात ही अलग है अपने यार। ये भैया ये ले रहे हैं भाई साहब आनंद। तो ये देखिए ब्रेक डांस का मस्त। और ये ऊपर से कुछ इस तरह की भीड़ है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है भाई आज तो ग्वालियर व्यापार मेले में। और यहाँ से झूलों का आनंद भी ले सकते हैं खड़े होके, देख सकते हैं मतलब। ये देखिए भीड़, रेंजर झूला भी चालू हो चुका है दोस्तों। आप आएंगे तो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे झूले का आनंद लेने के लिए। पर मैं आपको बता दूं इसका जो किराया है 70 रुपये एक व्यक्ति का है यहाँ पे, तो 70 रुपये के हिसाब से मेरे ख्याल से महंगा है रेंजर झूला। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मौत का कुआं देखने, आप लोगों को दिखाते हैं, वीडियो बने रहना है। चलो पिंटू भैया, आप भी चलाएंगे क्या? बेस्ट कौन है? चलो चलो चलो, यामा यामा नहीं है ये हमारे पिंटू भैया, ये मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले हैं। और गाड़ी तो देखिए भाई साहब TVS की है। चलो चलते हैं, धन्यवाद भैया। और यहाँ भी खड़ी है रॉयल एनफील्ड की व्हाइट कलर की, और वहाँ सामने खड़ी है RX 100 यामा, उधर भी एक यामा है, और अंदर खड़ी है मारुति कार। तो चलते हैं मौत के कुएं के अंदर, स्टार्ट करते हैं आपके लिए। लोग मेहनत कर रहे हैं ना, उस हिसाब से पब्लिक नहीं है, तो इनकी मेहनत के हिसाब से पब्लिक भरमार होनी चाहिए। और हमारे मेहता भैया का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया वाले आ गए। और मेहता भैया ब्रेकिंग न्यूज में चालू हो चुके हैं, न्यूज 18 में मेहता भैया आएंगे। और ग्वालियर वालों, मेहता भैया का इंटरव्यू चल रहा है। छोटे मोटे लोग नहीं है हमारे लिए, पीछे मीडिया वाले भी पड़े रहते हैं,
मिलते हैं, वहाँ हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड होने लगता है ना। चालू हो गई है, क्या बात है भैया, मजा कर दिया आपने तो। यहाँ पे लगा है बंशी वाला, चलो कुछ खा के आते हैं। आया तो मौत का कुआं देखने के बाद फाइनली हम लोग को भूख लगी और हम लोग बैठे हैं बंशी वाले के, और मैंने ऑर्डर किए हैं छोले भटूरे, और आपने मोमोज। टेस्ट कैसा है फिर आपको बताएं। न्यूज 18 वाला मैं तो भैया का इंटरव्यू ले रहा हूँ। ये आ गए गर्मा गर्म भटूरे, सब्जी तो बड़ी गाढ़ी दिख रही है। कैसा है स्वाद? अच्छा है। बहुत बड़ी सब्जी है। ये गाजर वाला जो अचार है ना, ये बहुत लजीज है। तो गाइस अब हम लोग सॉफ्टी का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। प्लेट भटूरे खाने के बाद और दो सॉफ्टी खाने के बाद दिल ना ऐसा प्रसन्न हो गया भाई साहब, अब थोड़ा एनर्जी के साथ फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको लेके चलते हैं भूत बंगला दिखाने। वाह बढ़िया बढ़िया चीजें हैं मेले में, ये देखिए, मतलब काफी समय बाद दोबारा से रौनक लौटी है हमारे ग्वालियर व्यापार मेले में, और यहाँ पे काफी सारे लोग कैटो बनवा रहे हैं। भैया कितना लेते हैं कैटो का? ये अलग अलग। अच्छा डिजाइन के ऊपर है, तो इस तरह की कोई डिजाइन है आप बनवा सकते हैं भैया के पास आके 26 नंबर छतरी पे। झूले सेक्टर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आपको सारी दुकानें सजी हुई मिलेंगी। बढ़िया रौनक हो चुकी है ग्वालियर व्यापार मेले में इस वक्त, और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। थोड़ा और अंधेरा होगा तो लाइटिंग और सुंदर हो जाएगी। अभी हम लोग भूत बंगला की तरफ जा रहे हैं। ये रविंद्र कंसाना जी हमें मिले, इन्हीं का है वो। दोस्तों मेला सेक्टर से आप निकल के लेफ्ट साइड पड़ेंगे ना थोड़ा सा ही आगे, तो आपको भूत बंगला दिख जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारे साथ ये मौजूद है रविंद्र कंसाना जी, ललित कंसाना जी मौजूद हैं, और इन्हीं का है ये भूत बंगला। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या खास है, क्या डरावनी चीजें हैं जो अंदर देखने को मिलने वाली हैं। भाई साहब जिस तरह से यहाँ पे पोस्टर लगे ना, इसको देख के मेरी हालत खराब हो रही है। चलते हैं अंदर, भूत बंगला दिखाएंगे हम आपको।
आओ ना मैदा भैया, डर रहे हो तुम? हेलो भैया नमस्कार। अरे भगवान, हालत खराब हो रही है भैया। वो तेरी ये क्या है? अबे इसकी तो ऐसी तैसी कर दी किसी ने। भाई साहब, ओ हेलो, सो रहे हो? अब यहाँ से गली एक और है, वो तो सो रहा था। अंदर क्या है? वही तो वैसी फट रही हो मम्मी जी। क्या है? ओए हेलो, कुछ नहीं कर रहा एक्टिविटी। और आगे बढ़ते हैं। इतनी खतरनाक यहाँ पे म्यूजिक लगा रखी है जी। क्या उल्टा टंगा है? गली बहुत सारी है यार। दूसरी गली में आ गया हूं मैं। और क्या अंदर? हेलो, ओ हेलो, हाथ बड़े खतरनाक है इसके। तो ये भूत बंगला कुछ इस तरह का? अरे भैया हाँ, ओए डरा रहा है। ओए ये क्या है भाई, तुम उल्टे क्यों लटके यार? तुम सीधे हो जाओ। हेलो कौन है? अबे ऐसा लगा पीछे कोई है। हालत खराब हो गई। हाँ सेंटा, मैरी क्रिसमस सेंटा, कैसे हो आप? सेंटा का भूत? सेंटा तो भूत है? नहीं यार, तू तो अच्छा है। तेरे को भूत किसने बना दिया यार? और आगे बढ़ते हैं। अरे यार जी बहुत खतरनाक है भाई साहब, ये देखो कितना खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है भाई। बड़ी विचित्र विचित्र आवाजें हैं। और आगे बढ़ते हैं। अरे कौन है भाई? और खत्म हो चुका है, फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। मस्त है यार। मैं तो वैसे ही जंगलों में घूमते रहता हूँ, मेरे को डर नहीं लगा। पर आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अभी भैया बता रहे हैं कि और भी काफी चीजें आने वाली हैं यहाँ पे, मतलब उससे ही हालत खराब हो जाएगी आपकी। ऐसा कुछ होने वाला है, दिल्ली से कुछ और आइटम आने वाले हैं, कंसाना जी ने बताया। तो आना जरूर, आना भूत बंगला जरूर देख के जाना, अच्छा लगा। तो गाइस ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं दूंगा आज के वीडियो में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप आ सकते हैं ग्वालियर व्यापार मेला, और आएंगे तो निराश होकर नहीं जाएंगे। आप परिवार के साथ आइए, अपने बच्चों के साथ आइए, और आगे ग्वालियर व्यापार मेले के आप बहुत आनंद लीजिए, मज़ेदार हो रखा है। और एक चीज़ और बोल दूँ मैं आप लोगों को कि आप ग्वालियर व्यापार मेला घूमने आते हैं तो शाम के 6 बजे करीब आइए, क्योंकि यहाँ पे आप आके सभी झूलों का आनंद ले सकते हैं। और विशेषकर ये जो लाइट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुंदरता बढ़ा रही है ग्वालियर व्यापार मेले की, तो शाम के वक्त कोशिश कीजिए 6 बजे बढ़िया खा पी के अपना मस्त नाश्ता वास्ता करके घर से निकली अपने बच्चों के साथ। हमारा ड्रोन उड़ चुका है, ड्रोन के पायलट यहाँ खड़े हैं। क्या देख रहे हो, कैसा दिख रहा है स्क्रीन में? नमस्ते, दुनिया खूबसूरत है ऊपर से। देख ही नहीं रहा, नहीं तो ले लो ड्रोन शॉट। अरे वाह यार, शॉट को हम डालेगा थोड़ी देर में, डालेगा।